स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकराज YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी OPPO फोन पे मैसेज सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। मैसेज में जितने भी सेटिंग्स होते हैं, मैसेज ब्लॉक या फिर मैसेज के जितने भी नोटिफिकेशंस का, साउंड का हो गया, मैसेज का जितना भी रिलेटेड आपका प्रॉब्लम्स या फिर सेटिंग्स है, उसे कैसे आप जो है सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, और यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमें खोल लेना है अपना मैसेजेस, उसके बाद में राइट साइड सबसे ऊपर आपको गियर आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका सारा सेटिंग्स आ जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो कि हो गया एंटी हैरेसमेंट में। यदि हम क्लिक करते हैं तब यहाँ पर आपको कॉल ब्लॉकिंग का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन कॉल तो रह गया अलग कैटेगरी, मैसेजेस का बात करते हैं। ब्लॉक मैसेजेस पर यदि आप चले जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप कीवर्ड के हिसाब से मैसेज जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। यदि मैं कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो कीवर्ड जैसे कि हो गया आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपको मतलब आलटू फालतू जो है मैसेज ना करे, तो उस कीवर्ड को आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि हो गया यहाँ पे FUCK, जैसे कि हो गया वर्ड एब्यूसिव वर्ड हो गया, तो ये सब वर्ड को जो है आप यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर FU यहाँ पर दे देता हूँ SUCK, उसके बाद में ऐड किया मैंने, तब जो भी बंदा ये वर्ड आपको भेजेगा वो वर्ड जो है भेज नहीं पाएगा, मैसेज ही नहीं आएगा, ठीक है, या फिर ये वर्ड शो नहीं करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है वर्ड को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। ब्लॉक मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर्स, यदि आप इसे एनेबल कर देते हैं तब अननोन नंबर जो है आपको मैसेज भेज नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए अभी बैक चलते और देख लेते हैं कि मैसेज सेटिंग में और क्या क्या है। दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंत में मैसेज को रीसेट आप कैसे कर सकते हैं, मैसेज का जितना भी सेटिंग्स है वो सारे को रीसेट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप जो भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे ब्लैकलिस्ट दिया गया है। ब्लैकलिस्ट में देखिए यहाँ पे जितना नंबर आपने ब्लैकलिस्ट करके रखा है वो सारा यहाँ पर शो करेगा आपको, और आप चाहो तो यहाँ पर ऐड करके ब्लैकलिस्ट और भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर रहा ये सब तो मैसेजेस के अंदर में नहीं आता है, कॉल्स के अंदर में आता है, तो हम बैक चले आते हैं और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट पे आप यदि चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो होम स्क्रीन आइकॉन बैच पे यदि क्लिक करते हैं तब क्या होता है कि दोस्तों आपके होम स्क्रीन पे जितना भी मैसेजेस आता है वो आपको होम स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। तो यदि आप नॉट बैच, डोंट बैच आप कर देते हो तब क्या होता है कि डॉट बैच या फिर डोंट शो द बैच कर देते हो तो आपको वो नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। अभी मैनेज नोटिफिकेशन पर आप चले जाते हो तो एंटायर नोटिफिकेशन आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो मैसेजेस का। यदि आप ये डिस्प्ले ऑन द स्टेटस बार इसे ऑफ कर देते हो तो यहाँ पे डिस्प्ले ऊपर में आपको जो स्टेटस बार है जहाँ पे नेटवर्क वगैरह शो होता है वहाँ पे आपका मैसेज आने पर भी वहाँ पे नोटिफिकेशन शो नहीं होगा, इसे ऑन करते हो तो वहाँ पे आइकॉन वगैरह शो होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी रिंगटोन वाइब्रेशन वगैरह दिया गया है। मैसेज का रिंगटोन आप बंद करना चाहते हो तो ये बंद कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो। वाइब्रेट आपको चाहिए तो ऑन कर सकते हो वरना ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी हम बैक चलते हैं। यहाँ पर अभी बात करते हैं डिस्प्ले रिसीव्ड मैसेज इन द पॉपअप विंडो, इसे आप यदि ऑन रखते हैं तब क्या होता है कि मैसेज आने पर आपके होम स्क्रीन पे ही आपको आ जाएगा, पॉप अप आपको शो करेगा, इसने आपको मैसेज भेजा है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो या फिर क्लोज कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे पॉप अप शो होता है। रिसीव इंस्टेंट SMS मैसेजेस पे यदि आप इसे ऑन रखते हो तब क्या होता है कि मोस्ट इंस्टेंट SMS मैसेजेस आर लाइफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट बाय द करियर ड्यूरिंग ए कॉल। तो क्या होता है कि दोस्तों कभी कभी बहुत इमरजेंसी मैसेजेस जो होता है आपने यदि मार्क करके रखा है किसी का कॉन्टैक्ट SMS में तब इसे ऑन रखते हैं तो वो जो होता है कि आपको इंस्टेंट आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले रिसेंट कॉन्टैक्ट व्हेन क्रिएटिंग ए न्यू मैसेज, तो यहाँ पे यदि आप इसे ऑन रखते हैं तब क्या होता है कि आप जब भी नया मैसेज वगैरह क्रिएट करते तब आपको कॉन्टैक्ट जो होगा वो रिसेंट कॉन्टैक्ट जिसको भी आपने मैसेज भेजा था रिसेंट वो आपको शो करेगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। शो कॉन्टैक्ट अवतार्स इन द मैसेज लिस्ट, अभी यहाँ पर उनका शो कॉन्टैक्ट अवतार इन द मैसेज लिस्ट। अभी मैसेज जब आप किसी को करते तब ऊपर में एक आइकॉन शो होता है जिस आदमी को आप भेज रहे हो, ठीक है। यदि आपने अपने मोबाइल नंबर जब सेव किया उस बंदे का इमेज आपने सेट करके रखा है तो वो अवतार जो है उसका आइकॉन भी मैसेज के ऊपर आपको शो करेगा। अभी मोर मैसेज सेटिंग में आप चले जाते हो तो यहाँ पर फैच SMS वगैरह दिया गया है, ऑटो डाउनलोड वगैरह दिया गया है, ऑटो डाउनलोड व्हेन रोमिंग, और यहाँ पर मैसेज सेंटर का नंबर दिया गया है, ठीक है। यदि आपका कोई भी प्रॉब्लम वगैरह निकलता है, बग वगैरह निकलता है तो आप ये नंबर पर जो है भेज सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में सिम कार्ड एंड SMS इमरजेंसी अलर्ट सेटिंग्स पे यदि आप चले जाते हैं तो यहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट सेटिंग पे हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। डिस्प्ले एक्सट्रीम थ्रेट अलर्ट्स, डिस्प्ले सर्फ, ये सारा आपको ऑन रखना है, ठीक है।
तो दोस्तों ये सारा हो गया आपका SMS का सेटिंग्स। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी SMS को आपको रीसेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैसेज सेटिंग को कम्प्लीटली रीसेट, आपको सेटिंग्स पे जाना है अपने मोबाइल में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आना है एप्लीकेशन मैनेजर पे, या फिर ऐप मैनेजमेंट, या फिर आपके मोबाइल में ऐप मैनेजर, एप्लीकेशन मैनेजर, या फिर ऐप मैनेजमेंट, या फिर ऐप्स, या फिर एप्लीकेशंस, या फिर इंस्टॉल्ड ऐप्स के नाम से शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे मैसेजेस ढूंढ लेना है। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे मैसेजेस, मैसेजेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है, इसे फोर्स कर देना है। उसके बाद में स्टोरेज यूसेज में जाना है, और यहाँ पे यदि आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो क्लियर डाटा कर देना है, वरना आपको क्लियर कैशे पे क्लिक करके इसे क्लियर कर देना है। उसके बाद में बैक आना है, और आपको परमिशन पे आके ये सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है, ठीक है, इसे ऑफ नहीं होने देना है, अलाउ कर देना है। आपका मैसेज जो है वो कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मैसेज का सेटिंग्स। यदि आपका मैसेज में फिर भी प्रॉब्लम वगैरह आता है तो आप अपना सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं, सिस्टम का सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट सेटिंग दोस्तों, कि कैसे आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं मैसेज सेटिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।